और फाइनल में देख लीजिए यहाँ पर हमने ये नीला वाला वायर इस साइड में रख लिया है और इसको भी अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों ये तो हमारा स्टार कनेक्शन हो गया, लाल के सामने हमारा ये पीला वायर, पीले के सामने नीला वायर और नीले के सामने लाल वायर। तो दोस्तों इस तरह से आपके ये डेल्टा कनेक्शन किए जाते हैं जो कि क्रॉस कनेक्शन भी बोले जाते हैं। नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि स्टार कनेक्शन क्या होता है और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, आइए आपको हम करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए ये हमारे पास एक ये विंटेक्स एसके का स्टार्टर है दोस्तों, तीन बटन वाला, ये न्यू स्टार्टर है हमारे पास, हमारे पास पुराना नहीं है, आपको हम नए पे करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम इन पेचों को खोल लेंगे। तो दोस्तों पेचों का हमने खोल लिया है, देख लीजिए ये ढक्कन इस तरह से हम उठा लेंगे इसको और इसको साइड में, देख लीजिए कुछ इस तरह से हमारा स्टार्टर अंदर की साइड दिखता है। दोस्तों इसमें किस तरह से स्टार कनेक्शन किया जाता है, सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों ये हमारे पास मोटर का केबल है, इसमें तीन वायर हैं, देख लीजिए तीनों अलग अलग कलर के हैं, नीला है, पीला है और लाल है। तो दोस्तों स्टार्टर में हमें कहाँ पे कसना होता है आपको मैं बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिखा होता है, देख लीजिए A2, C2 और B2 और यहाँ पर देख लीजिए L1, L2, L3। तो दोस्तों ये तो हमारी खंबे से आने वाली लाइन है, ये जो L1, L2, L3 और ये हमारी मोटर की सप्लाई है। दोस्तों ये हमारा मोटर का केबल का कनेक्शन इस पर किया जाता है और एक इस साइड में देख लीजिए A1, B1, C1। तो दोस्तों इस पर भी हमारा मोटर का कनेक्शन किया जाता है। तो हमारे पास देख लीजिए ये हमारे पास एक केबल है और इसका कनेक्शन हम कहाँ पे करेंगे दोस्तों, हम इस वाले पॉइंट पर करेंगे क्योंकि ये हमारा स्टार पॉइंट होता है। जो आपका एक केबल होता है तो दोस्तों समझ लीजिए वो आपका स्टार कनेक्शन है और जब आपके पास दो केबल होती हैं तो वो डेल्टा कनेक्शन होता है। और इसमें अंतर क्या होता है वो भी आपको हम अभी बताएंगे, पहले इसको कस लेते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए इस साइड से हम सील को निकाल लेंगे और इसी साइड से हम केबल को डालेंगे, ये हमने निकाल लिया है और केबल को हम इस साइड से डाल देंगे इस तरह से और इन वाले पॉइंटों पर कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों केबल को यहाँ से निकाल लेना है और हमें इन वाले पॉइंटों पर कसना है। तो दोस्तों ये हमारा स्टार कनेक्शन हो रहा है। सबसे पहले हम देख लीजिए इस साइड में लाल वायर को इस तरह से रखेंगे और अच्छे से टाइट कर लेंगे इस तरह से हमें बिठा के, और ये अच्छे से टाइट कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों हम ये पीला वाला वायर बीच में लगाएंगे, देख लीजिए यहाँ पे, और इसको भी अच्छे से टाइट कर लेंगे। दोस्तों कोई भी आप जॉइंट ढीला ना छोड़ें, बहुत अच्छे से इसको टाइट कर लें, अगर आप ढीला छोड़ते हैं तो आपका स्पार्क करेगा और दिक्कत करेगा। तो दोस्तों ये तो हमारा स्टार कनेक्शन हो गया, देख लीजिए ये हमारा स्टार कनेक्शन हो गया। जब आप मोटर को स्टार्ट करते हैं, जैसे ही ये हरा वाला बटन दबाते हैं तो ये आपका स्टार में लग जाता है, जो कि आपका ये वाले पॉइंट पर करंट आने लगता है और आपका स्टार में मोटर चालू हो जाता है। और उसके बाद में दोस्तों अब हम बताने वाले हैं आपको डेल्टा कनेक्शन। दोस्तों डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में दो केबल होती हैं, जिस मोटर से दो केबल निकलती हैं उसे डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। तो देख लीजिए ये हमारे पास दूसरा केबल है और इसका कनेक्शन कहाँ पे करना है, तो देख लीजिए हमें इन वाले पॉइंटों पर इसका कनेक्शन करना होता है। और किस तरह से हमें डेल्टा बनाना है वो भी आपको हम बता देते हैं। तो इसको भी हम इस साइड से डाल लेंगे केबल को, इसको हमने इस तरह से निकाले और इसको केबल को इस तरह से हम बिठा लेंगे। अब देख लीजिए हमें क्या ध्यान देना होता है दोस्तों, जब आप ये डेल्टा का कनेक्शन करते हैं तो आपको ये ध्यान देना होता है कि जो आपने ये वाले कलर पॉइंट पर कसे हुए हैं, जैसे लाल है, पीला है और नीला है, तो आपका ये लाल वाले वायर के सामने पीला वायर आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम पीला वायर कसेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए लाल के सामने हमने पीला वाला वायर कस लिया, ये वाले पॉइंट से देख लीजिए ये सामने पीला वायर हमने कसा है। अब उसके बाद में ये वाले पॉइंट के सामने देख लीजिए पीले के सामने हम नीला वायर यहाँ पर बीच में कसेंगे। दोस्तों इस तरह से हमारा डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। अब देख लीजिए बीच में हमने ये नीला वाला वायर बिठा लिया है, ये हमने नीला वाला वायर बिठा लिया है। अब ये नीले वाले के सामने हमको ये लाल वाला वायर बिठाना है, इसको भी हम इसमें अच्छे से लगा के टाइट कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह से आपको ये वायर अच्छे से टाइट कर लेने हैं। अब देख लीजिए लाल के सामने हमारा ये पीला वायर, पीले के सामने नीला वायर और नीले के सामने लाल वायर। तो दोस्तों इस तरह से आपके ये डेल्टा कनेक्शन किए जाते हैं जो कि क्रॉस कनेक्शन भी बोले जाते हैं।
अब दोस्तों इसमें अंतर क्या होता है वो भी आपको हम बता देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये तीन बटन वाला स्टार्टर है, ये डेल्टा स्टार्टर बोला जाता है। जब आप ये हरा वाला बटन दबाते हैं जैसे ही आपका ये पहला गियर लगता है मतलब स्टार, तो स्टार में आपका इन वाले पॉइंटों पर सिर्फ करंट आता है जो कि मोटर सिर्फ 1440 आरपीएम पर चलता है, मतलब एक मिनट में 1440 बार राउंड करता है। और जब आप ये पीला वाला बटन दबाते हैं तो आपका मोटर डेल्टा पे हो जाता है, इस वाले पॉइंट पर भी आपकी सप्लाई आने लगती है और ये वाला क्रॉस कनेक्शन भी आपका चालू हो जाता है। तो दूसरे गियर पर जब ये स्टार्टर चालू होता है तो दोस्तों हमारे जो ये 1440 राउंड होते हैं वो 2880 राउंड बन जाते हैं। तो दोस्तों स्टार डेल्टा का मतलब ये होता है, तो हमारा मोटर फुल राउंड हो जाते हैं तो पानी अच्छे से देने लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें।